तो सरकार ने पहले वक्त दिया, माफ कीजिएगा जो जो लैंडस्केप मोड में नहीं है हम उनको नहीं ले पाएंगे, उनको हटा दीजिए प्लीज, हटा दीजिए लैंडस्केप वाले को हटाइए बिल्कुल। तो जो सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिसका लैंड टाइटल क्लियर है वो जमीन को पहले लिया जाए और उसका ऑक्शन किया जाए। तो ये जो मोटी बड़ी सूचना थी हमारे पास वो मैंने अभी आपको बताया है, और भी मैं कुछ डिटेल बताऊंगा। नागेंद्र जी ज्वाइन कर चुके हैं, संजय नायक ज्वाइन कर चुके हैं। नागेंद्र जी, सरकार अब इस मोड में नहीं है कि साहब हम किसी भी प्रकार का हम अब ढीला रवैया अख्तियार करें, और जो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट सूचना है, और ये हमको दोनों तरफ से हमको कंफर्मेशन हुआ है कि ईडी में 12-12 घंटे तक अधिकारियों को बिठाया जा रहा है। आपके पास क्या सूचना है, क्या ग्राउंड पे ऐसा कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताइए जी। सर नमस्कार। नमस्कार, लाइव में जुड़े जितने भी साथी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार। देखिए ईडी की क्या कार्रवाई चल रही है, हम बहुत ज्यादा अपडेट इस बारे में नहीं है क्योंकि लोग बहुत दूर पे, झारखंड के सुदूर एरिया में बंगाल के बॉर्डर पर रहते हैं, उधर क्या चल रहा है हम लोग अभी बहुत नहीं झाका जाके कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास इतना ज्यादा काम है। जो 3 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हम लोगों का है उसका हम लोग कागजात तैयार कर रहे हैं और उसी का लगभग 2-3 दिन का और काम बचा है, उसके बाद हम लोग सारा पेपर सबमिट कर देंगे। तो ईडी की जो कार्रवाई है अपने जगह पे वो कार्रवाई होती रहे, लेकिन कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो जा रहा है उसको थोड़ा सा करेक्शन करना जरूरी है। गलत इन्फॉर्मेशन ये है सर कि 40,000 करोड़ रुपया सेबी में नहीं जमा हुआ है, जो पहले का पैसा था 15,500 करोड़ वो इंटरेस्ट लेकर के जो बनता है लगभग 25-26 करोड़ वही पैसा है। 14,000 करोड़ की जो बात आ रही थी कि ईडी ने जब्त किया, सेबी ने जब्त किया सहारा का पैसा कॉमर्शियल का, तो जिस खाते में पैसा जो उन लोग का फ्रीज किया गया है ओपी श्रीवास्तव जी का और जो डायरेक्टर थे उस खाते में वो पैसा ही नहीं है। तो वो 14,000 करोड़ की झूठी सूचना है, वैसा कुछ नहीं है कि इनका फ्रीज करके पैसा लिया गया है और सेबी के हाथ में 40,000 करोड़ है। इस मैसेज को पहले ठीक किया जाए, सेबी के पास जितना पैसा पहले था वही पैसा है क्योंकि फ्रीज करने के बाद उतना पैसा मिला ही नहीं है। जो सुप्रीम जो पार्लियामेंट में जो उस दिन का जो बहस हुआ वो पूरा पूरा वित्त मंत्री जी का एक सुनियोजित ड्रामा था, जो बात बोली कि कागज ले आइए पैसा ले जाइए, जबकि रिटर्न में जब आया है तो उसमें कुछ और ही मेंशन है। तो उसी दिन हमने आपके लाइव से भी कहा था कि वो जिस कंपनी की बात कर रही है कि कागज ले आइए पैसा ले जाइए वो है रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का, जो सहारा ने मैनिपुलेट करके लोगों से सर्टिफिकेट ले लिया और 132 ट्रक कागज ट्रक में भर करके सेबी को जमा करा दिया। वो कागज मांग रही है जबकि वो कागज जा चुका है, पब्लिक के हाथ में इक्का दुक्का बचा हुआ है और उसका पैसा सेबी क्लोज कर दिया कि 2018 तक हम अंतिम सूचना दे दिए थे, जो लोग आए उसको हमने दे दिया। हमने आरटीआई भी लगाया था तो आरटीआई में सेबी ने कहा था कि अगर और ज्यादा आएगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आपको दे सकते हैं। ये हम लोग का 2022 का आपका आरटीआई था, तो उस तरह उतना कस्टमर आए नहीं तो वो पैसा ही ब्लॉकेज है। तो वो सुनियोजित तरीके से ड्रामा करके चली गई कि लोग कागज लेके आए पैसा लेके, जबकि सबको मालूम है। यही बात अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी को कहना चाहिए पार्लियामेंट में कि लोग कागज लेके आवे पैसा ले जावे, उनके मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ सहकारिता है जिसमें सारे लोगों का पैसा डंप हुआ है, जो वहां से पैसा निकल के कोऑपरेटिव में डंप हुआ। तो यही बात अमित शाह जी का उनको हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं होगा, हम ही लोग हाथ जोड़ते हैं अमित शाह जी से, यही बात आप कह दीजिए। उस दिन वित्त मंत्री हाथ जोड़ रही थी ना, हम लोग अमित शाह जी को हाथ जोड़ रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में कह दीजिए कि कल से कागज लेके आइए और पैसा ले जाइए, कल से जहां बोलेंगे वहां हम लोग कागज पहुंचा देते हैं, जो हम लोगों के पास में हाथ कागज है, और जो कागज ऑलरेडी चला गया वो कागज हम लोग कहां से लाएंगे। गोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।